हमारे देश में देवी देवताओं की पूजा की जाती है और उनका अस्तित्व भी सदियों से बना हुआ है। भारत में जितने भी बड़े मंदिर हैं, उनकी कोई न कोई खासियत है। आज हम आपको ऐसे ही एक मंदिर के बारे में बताएंगे जो अपने आप में बहुत ही खास है। तो क्या है इस मंदिर की कहानी, चलिए जानते हैं। हाय दोस्तों, मैं शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं रिसर्च टीम इंडिया। हमारे देश में प्राचीन काल से ही कई सिद्ध मंदिर हैं, जैसे वैष्णो देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जिनमें लोगों की असीम आस्था है और लोग दूर दूर से इनके दर्शन करने आते हैं। इन सभी मंदिरों को तो आप बखूबी जानते हैं, लेकिन क्या आपने ऐसे किसी मंदिर के बारे में सुना है जो दिन में दो बार समुद्र में डूबकर अपना जलाभिषेक करवाता है? यदि नहीं सुना तो हम आपको एक ऐसे अनोखे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे जानने के बाद आप भी वहां जरूर जाना चाहोगे। शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन एक मंदिर ऐसा है जो समुद्र की तेज लहरों में अपने आप गायब हो जाता है और कुछ देर बाद फिर से बाहर आ जाता है। भगवान शिव का ये रूप स्तंभेश्वर महादेव के रूप में जाना जाता है, जो गुजरात के भरूच जिले के कवि कम्बोई में है। कवि कम्बोई बड़ोदरा शहर से 75 किलोमीटर की दूरी पर है। भगवान शिव के इस मंदिर की खोज लगभग 200 साल पहले हुई। इस मंदिर में शिवलिंग के दर्शन दिन में केवल एक बार ही होते हैं, बाकी समय ये मंदिर समुद्र में डूबा रहता है। समुद्र तट पर दिन में दो बार ज्वार भाटा आता है। ज्वार भाटे के कारण पानी मंदिर के अंदर पहुंच जाता है। इस प्रकार समुद्र का पानी दिन में दो बार शिवलिंग का जलाभिषेक कर वापस लौट जाता है। ऐसा हर रोज सुबह और शाम को होता है। ज्वार के समय शिवलिंग पूरी तरह से जलमग्न हो जाता है। उस समय वहां किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। यहां दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को खास तौर से पर्चे बांटे जाते हैं, जिसमें ज्वार भाटा आने का समय लिखा होता है, ताकि उस वक्त मंदिर में कोई ना रहे। इस मंदिर का जिक्र शिव पुराण में रुद्र संहिता के एकादश अध्याय में मिलता है, जो इस शिवधाम के प्राचीन होने का प्रमाण है। स्कंद पुराण में इस मंदिर के निर्माण के बारे में काफी विस्तार से बताया गया है। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर राक्षस ने अपनी कठोर तपस्या से शिव को प्रसन्न कर लिया और अमर होने का वरदान मांगा। इस वरदान को नकारने पर तारकासुर ने दूसरा वरदान मांगा कि उसे सिर्फ शिव पुत्र ही मार सके, और वो भी 6 दिन की आयु का। वरदान मिलते ही तारकासुर ने तीनों लोकों में हाहाकार मचाना शुरू कर दिया। सभी देवता और ऋषि मुनि उसकी आतंक से परेशान होकर महादेव की शरण में पहुँचे। तब श्वेत पर्वत के पिंड से कार्तिकी का जन्म हुआ और उन्होंने तारकासुर का वध किया। जब भगवान कार्तिकी को पता चला कि तारकासुर उनके पिता भोलेनाथ का परम भक्त था, तो वो आत्मग्लानी से भर उठे। इस पर भगवान विष्णु ने उन्हें एक उपाय बताया कि वे यहाँ पर शिवलिंग स्थापित करें और रोज माफी के लिए प्रार्थना करें। इस तरह से ये शिवलिंग यहाँ स्थापित हुआ। तब से ही इस तीर्थ को स्तंभेश्वर कहते हैं। गुजरात के कवि कम्बोई में बना ये स्तंभेश्वर महामंदिर अरब सागर में बना है, और जब जब समुद्र में तेज उफान आता है, तब तब इस मंदिर का शिवलिंग पूरी तरह से जलमग्न हो जाता है, जिस कारण वो दिखाई नहीं देता। अगर आपको प्रकृति की इस चमत्कार को देखना है, तो आपको इस मंदिर को पूरा दिन देना होगा, जिससे आप मंदिर को समुद्र में डूबता हुआ और वापस उसी अवस्था में आते हुए देख सकें। इसलिए अगर आप कभी गुजरात जाएं, तो इस अद्भुत मंदिर की यात्रा करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।